Hey lovely angels, welcome back to my channel. I hope you all are doing well and I hope you all are safe at your home guys. First of all, comment down below कि आप लोग सब कैसे हैं, आपके परिवार में सब कैसे हैं, सब ठीक है, सबकी तबीयत ठीक है या नहीं, comment down below. मुझे भी तो पता हो कि मेरे व्यूअर्स, मेरे फ्रेंड्स की खैर खबर कैसी है और कैसी नहीं इस मुसीबत की घड़ी में, तो comment down below कैसे हो और कैसे नहीं. हाँ, और फिर सेकेंड क्वेश्चन मेरा और है आप लोगों से, कमेंट्स बड़े कम कम आ रहे हैं वीडियोस पे, तो एक कमेंट जरा ये भी कर देना कि ये जो मेरी हैशटैग बेसिक मेकअप सीरीज चल रही है, इसमें अभी तक की आपकी फेवरेट वीडियो कौन सी रही है, जरूर करना ये कमेंट. फाउंडेशन वाली वीडियो फेवरेट थी, ब्लश वाली, या स्टार्टिंग की इंट्रो वीडियो, या हाइलाइटिंग, कंसीलर, कंटूर, कौन जो भी आपकी फेवरेट वीडियो, वो वीडियो कॉमेंट डाउन बिलो कर दो अभी जल्दी से. टाइटल से भी पता लग गया होगा और मेरे चेहरे की खुशी देखकर भी आपने पता लगा लिया होगा कि आज की वीडियो जी हाँ हाइलाइटर के ऊपर है. आप सभी को पता है हाइलाइटर मेरा फेवरेट 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 पार्ट है मेकअप का, और इस वीडियो को देखने के बाद आपका भी फेवरेट पार्ट मेकअप का हाइलाइटर ही होने वाला है. मैं इस बात पर बैट लगा सकती हूँ आप लोगों से, हाइलाइटर है इतना मजे का यार, 2 सेकंड में लाइक यू आपके फेस को एकदम ग्लोई बना देता है. मतलब बिल्कुल कि पार्टीज में जाएंगे ना तो आपके चेहरे पर आके किसी की नजर टिक जाए, सीरियसली बहुत प्यारा लगता है हाईलाइटर लगाने के बाद पूरे फेस का लुक. इस टाइम मैंने अपने फेस पे कोई हाईलाइटर नहीं अप्लाई किया है, ये जो आपको ग्लो दिख रहा है ये है जस्ट बिकॉज ऑफ माय गुड स्किन केयर रूटीन. या और वो करना भी बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि हाईलाइटर से तो ग्लो मिलता ही मिलता है, बट जरूरी है ना कि स्किन भी अंदर से हेल्दी हो, अंदर से विदन ग्लो प्रोवाइड करे आपको. तो उसके लिए अच्छा स्किन केयर रूटीन जरूर किया करो मेकअप से पहले और अपने डेली बेसिस लाइफ में भी. उस स्किन केयर रूटीन में आपको क्या क्या करना है मैं ऑलरेडी बेसिक मेकअप सीरीज में भी वो वीडियो दे चुकी हूँ आपको, और बेसिक मेकअप सीरीज से पहले भी मैंने कुछ वीडियोज दी है स्किन से रिलेटेड. बहुत क्विक और बहुत ईजी और बहुत ही सस्ते टिप्स हैं वो, तो प्लीज जाओ और चेक कर लो अगर स्किन में इस टाइप वाला ग्लो चाहिए. और अब बात कर लेते हैं हाइलाइटर के ग्लो वाली. तो हाइलाइटर कैसे अप्लाई करना है, कहाँ अप्लाई करना है वो मैं दिखाती हूँ, तो चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड. गाइस, एप्लीकेशन के लिए आपको जरूरत होगी कुछ ब्रशेस की, इस तरीके के फैन ब्रशेस जो होते हैं वो होते हैं बेसिकली हमारे यूज करने के लिए हाइलाइटर्स. बट ये कुछ ज्यादा ही बड़ा हो गया, काइंड ऑफ फैंसी थिंग कह लो, इतना ज्यादा बड़ा भी नहीं यूज होगा. इस तरीके का फैन ब्रश, इससे एप्लीकेशन, या एक नॉर्मल ब्रश चाहिए होगा आपको इस तरीके का छोटा मुंह पे अपने. तो कहाँ कहाँ अप्लाई करना है, सबसे अप्लाई करना होता है बेसिकली हमें अपनी नोज पे, यहाँ जहाँ जहाँ हमने हाइलाइटिंग कंसीलर अप्लाई किया था ना बेसिकली हमें वहीं वहीं अप्लाई करना है. ठीक है, ये अब मैं ये वाला यूज करके दिखाने वाली हूँ, व्हाइट, इसमें गोल्डन शीन है. लिया, एक्सेस को झाड़ लिया, याद है हमने कहाँ कहाँ अप्लाई किया था, मैं इसे नोज पे भी करके दिखाती हूँ. लुक एट दिस, नोज पे अप्लाई किया, देन सेकेंड हम, याद है हमने यहाँ कंसीलर अप्लाई किया था, तो अब हम अंडर आईज में तो इसे नहीं अप्लाई करेंगे, बट ये जो बोन होती है ना यहाँ पे दिख रहा है, माय गॉड, हाय, इधर इतना खूबसूरत ग्लो दे रहा है गाइस, मैं बेहोशी ना हो जाऊँ अपने आप को देख देख के. चिन एरिया पे, यहाँ भी याद है हमने अपना कंसीलर अप्लाई किया था, फॉरहेड एरिया पे, यहाँ पर भी हमने कंसीलर अप्लाई किया था. अच्छा, आप थोड़ा सा यहाँ पे अपना जो ब्यूटी बोन होता है इन पे भी अप्लाई कर सकते हैं, दिस वन इज ऑप्शनल. मेरे बाल देखो ज़रा, दिख रहा है दूर से जब शीन करेगा, ओ लुक एट माय फेस मैन, बिल्कुल ढिंचाक लग रही हूँ एकदम. अभी इसे सेटल भी करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि ये ना बहुत ज्यादा विजिबल वाला है, ये लगाते हैं तो बहुत सटल ग्लो देता. मर्जी है, आप कोई सा भी यूज कर सकते हैं. अब कुछ छोटे छोटे पॉइंट, ब्रश लेना है कोई, उस छोटू ब्रश से आपकी जो ये आईब्रो की बोन होती है ना इसे हाईलाइट करना है, दिख रहा है, इससे आपकी आईज बहुत ज्यादा अपलिफ्टेड लगेंगी और आपके आई मेकअप में ना गाइस 4 चांद लग जाते हैं. ठीक है, और आपका जो इनर कॉर्नर एरिया होता है, अच्छा आप लोगों को मेरा मस्कारा दिखाई दे रहा है, कोई फॉल्स आईलैशेस नहीं लगाए, कितना सुंदर मस्कारा, इतना सस्ता मस्कारा है ना, सुनोगे तो बेहोशी हो जाओगे.
सही में आजकल सस्ते प्रोडक्ट्स के ऊपर ना बड़ी छानबीन जांच पड़ताल कर रही हूँ मैं ऑनलाइन। तो अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो मैं इस तरीके की वीडियोस देखने में कि सस्ते से सस्ता मेकअप प्रोडक्ट कहाँ से कौन सी साइट से खरीद सकते हो, कौन सा सस्ता मेकअप प्रोडक्ट बहुत ज्यादा अच्छा काम कर रहा है, कौन सा नहीं कर रहा है, खरीदने में इंटरेस्टेड हो तो मुझे ना कॉमेंट करो। मैं बहुत सारी शॉपिंग कर रही हूँ आजकल सस्ते मेकअप प्रोडक्ट्स की, महंगे मेकअप प्रोडक्ट्स की, तो सारी चीजें आपके साथ शेयर कर सकती हूँ। उससे आपको आइडिया हो जाएगा कि कौन सा सस्ता प्रोडक्ट कौन सी साइट से खरीदना चाहिए, ये कौन सा महंगा प्रोडक्ट कौन सी साइट से खरीदना बेटर रहेगा और कहाँ से नहीं। तो अगर देखना चाहते हो उस तरीके की प्रोडक्ट रिव्यू वीडियो तो नीचे कमेंट करो और नीचे सजेशन भी देते रहो कि इस बेसिक मेकअप सीरीज के बाद किस तरीके की वीडियोस लेके आऊँ। सो आपको बेसिकली दिख रहा होगा मेरा फेस इस टाइम इतना खतरनाक ग्लो कर रहा है कि मैं पार्टी में ऐसे चले गए तो लाइट्स की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, सही में नहीं पड़ेगी, कल देख लो मेरे। सो इसको सेटल करने के लिए आपको ब्यूटी ब्लेंडर लेना है और इस तरीके से डैप डैप कर लेना है। इससे क्या आपका जितना एक्सेस होगा ना एक्स्ट्रा वो इसमें आ जाएगा। माय गॉड लुक एट माय फेस गाइस, कुछ कहना नहीं आ रहा, बस खुशी चेहरे पर अलग ही दिखाई दे रही होगी, कितनी हो रही है मुझे, अच्छा लग रहा है ना। सो मैं ये सारे हाइलाइटर्स जो दिखाए इनके लिंक्स भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी आप लोगों को, और इनके अलावा और भी मुझे कोई अच्छे अफोर्डेबल हाइलाइटर्स दिखे तो उनके भी। हाइलाइटर कहाँ का अप्लाई करना था आई होप आप लोगों को इजीली समझ में आ गया होगा। टिप ऑफ द नोज, सेंटर ऑफ फॉरहेड, आईब्रो बोन्स, inner corners of your eyes, a little bit on your chin area, and there's a cheekbones, beauty bones, and that's it. Basically वही parts हैं ना जहाँ हमने highlighter apply किया था। और highlighter वाली video को भी जाओ ज़रा, बड़े कम views दिए हैं उस पर, views दे लो, बहुत मेहनत से video बना रही हूँ यार, पता नहीं क्या कर तो एक video पर इतने अच्छे views जाता है फिर दूसरे पर धक्के से नीचे गिर जाते हैं, ऐसे मत करो। Instagram पर भी follow कर लो, okay? सो मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में जो कि होने वाली है मस्कारा के ऊपर, जो कि मैंने बहुत सस्ता खरीदा है अभी जैसे बताया। तो अगर देखना चाहते हो ये मस्कारा वाली वीडियो, कैसे अप्लाई करना है, कहाँ से खरीदना है, कहाँ से नहीं खरीदना है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। चैनल पर नए आए हो तो, पुराने हो तो सब्सक्राइब किया हुआ होगा, चेक कर लो बेल आइकॉन हिट है या नहीं, अगर नहीं है तो बेल आइकॉन हिट कर दो। ओके सो बेल आइकॉन भी हिट हो तो प्लीज़ वीडियो को बहुत सारा प्यार दो, वीडियो को शेयर करो, वीडियो को सब्सक्राइब चैनल को सब्सक्राइब करो। वंस अगेन प्रेयर करो सबके लिए, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है अपने इंडिया को इस टाइम प्रेयर्स की, और प्रेयर्स से बढ़कर कुछ नहीं होता है। स्टे सेफ, स्टे होम, थक गई बोल बोल के, स्टे सेफ, स्टे होम, लव यू ऑल, सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।